नमस्कार, आप देख रहे हैं मालदा बाजार टीवी। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आज दिल्ली एनसीआर में मंडियों में क्या भाव बिका है सभी सब्जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम यहां से वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सब सारे सब्जी का रेट मालूम हो जाए कौन सा सब्जी है क्या रेट बिक रहा है मंडियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं आलू का। आलू बिका इस टाइम मंडी में 2200 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और प्याज बिका है 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं अरबी का। अरबी बिका है 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और बीन्स बिका है 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और मटर बिका है 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं भिंडी का। भिंडी बिका है 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कुंडरू बिका है 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और टमाटर बिका है 1000 से 1100 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं नींबू का। नींबू बिका है 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और परवल बिका है 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और करेला बिका है 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, बैंगन बिका है 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और शिमला मिर्ची बिका है 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, पपीता बिका है 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, पत्ता गोभी बिका है 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, अदरक बिका है 8000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कच्चा केला बिका है 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और मिर्ची बिका है 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और लहसुन बिका है 9000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, सीताफल बिका है 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और हरा धनिया बिका है 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।